हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए फिजिक्स का सेकंड पेपर है और 2021 का जो बैक पेपर देने वाले हैं या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। चाहे आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं या फिर आप उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी से, तो भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, प्रबीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, उसमें फर्स्ट पेपर और आपका थर्ड पेपर होगा, लेकिन सेकंड पेपर नहीं होगा। और कुछ यूनिवर्सिटी क्या है, तीनों पेपर ले रही है जो इम्प्रूवमेंट जिसने डाला है, तो उनके हिसाब से मैं सभी छात्रों के हिसाब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ। आप इन क्वेश्चनों को 100% पढ़ के जाइएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100% मतलब क्या है कि आपको इन क्वेश्चनों को रट के जाना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, आपको 85% यहां से मिलेगा देखने को, 85% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा। और एग्जाम से पहले कुछ भी मुझे आप तक पहुंचाना है तो YouTube के माध्यम से मैं आपको पहुंचा दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं आपको वीडियो पब्लिश कर दूंगा, जो भी होगा मेरे पास मैं दूंगा। लेकिन हाँ, इन क्वेश्चनों को आपको रट के जाना है, बस इतना याद रख लो। इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यदि इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। लेकिन मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि देखो, मैं कभी भी पढ़ने के लिए किसी को मना नहीं करता कि आप एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जो दिल में आए करो। लेकिन सबसे पहले एग्जाम जब टाइम आता है तो आपको वो पढ़ना चाहिए जो मैं आपको बताता हूं। मैं पहले कुछ नहीं कहता कि भाई आप जो कह रहा हूं, मैं यही कहना चाहूंगा एग्जाम का आपका आने वाला है तो आप ये जो पढ़ो, जो बता रहा हूं मैं आपको, उसको ध्यान देना है बस। और बस पेपर देने चले जाना, फिर बताना कि तुरंत आके मुझे बताना, कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हो, कॉमेंट दे सकते हो, यार जो चाहो कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे हमने, और जो एमसीक्यू क्वेश्चन जिसके आ रहे हैं, एमसीक्यू जो एमसीक्यू क्वेश्चन जिसके आ रहा है उसका पीडीएफ हमने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो तुम लोग, समझ रहे हो। फटाक से पीडीएफ डाउनलोड करो, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसके यूनिवर्सिटी जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी होगी, कानपुर यूनिवर्सिटी के बैक पेपरों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन ना, एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक। कोई इशू नहीं, कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमसे बता सकते हो यार, हम हमेशा आपका साथ देंगे। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उन क्वेश्चनों को याद करो और 85% प्लस लेके आओ। एग्जाम से पहले कुछ भी होगा मैं आपको दूंगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, समझने वाले समझ जाते हैं, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। और हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी में आपका कोई भाई बहन है तो तुरंत उन्हें बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे। बीए पेपर हैकर, बीएससी पेपर हैकर, बीकॉम पेपर हैकर, हाई स्कूल इंटर पेपर हैकर और पेपर हैकर को भी सब्सक्राइब करेंगे साथ में। सबके अलग अलग मैंने सारे ब्रांच मैंने जो अलग अलग छात्र हैं उनके हिसाब से भी बना रखे हैं, ठीक है। और कंपटीशन जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो छात्र आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आपके पड़ोस में कोई भी है तो उन्हें पेपर हैकर के बारे में बताना कि आर्मी पेपर हैकर को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पे आपको अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। बोल देना कोई भी आपका दोस्त वगैरह है तो यहां बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए फिजिक्स का सेकंड पेपर की। तो पहला क्वेश्चन, फर्मी ऊर्जा को टिक लगेंगे, फर्मी एनर्जी क्या होती है इसको आप याद करेंगे, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखो ऊर्जा बॉन्ड संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके सिद्धांत के बारे में, बॉन्ड सिद्धांत क्या होता है और उनके बॉन्ड संरचना के बारे में भी पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक। और देखिए, चालक अचालक और अर्धचालक ये सभी को पता होगा, इनके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सबको हाई स्कूल 9th से पढ़ते चले जाओ, अचालक चालक क्या होता है, ठीक है। मिलर सूचांक क्या होता है इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, हाँ। उसके बाद में देखिए, डायमंड की संरचना याद रखना, डायमंड की जो संरचना होती है उसी को हम क्रिस्टल के 7 समूह जो समुदाय होते हैं उनका उल्लेख डायमंड की संरचना के आधार पर ही होता है, पूरा वही सब कुछ लिखेंगे उनके गुण के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, और साथ ही साथ अल्फा 6 क्या होता है ये आप देखेंगे, ओके, समझ में आ रहा है सभी को, चलो ठीक। नीचे जाएंगे और नीचे हम देखिए, आयनिक बंद क्रिस्टलीय ऊर्जा इसको छोड़िए, त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं इसको आप याद करेंगे, और नाभिक की संरचना के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इसको आप पढ़ेंगे, और उसके बाद में द्रव्यमान क्षति क्या होती है इसको आप पढ़ेंगे, बंधन ऊर्जा क्या होती है, बॉन्डिंग एनर्जी जिसे मॉस डिफरेंस ये बोलता जाता है सबको पढ़ेंगे आप, ब्लॉक प्रमेय क्या होती है इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम आपको बताने वाले हैं नाभिक के मूल गुण के बारे में, आप जब नाभिक की संरचना पढ़ेंगे तो मूल गुण तो वैसे ही देखोगे मुझे पता है, ठीक है। क्रिस्टलों के जालक क्या होते हैं उनके प्रकार, जितने प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं वो पढ़ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो नाभिक होता है उसका बूंद बूंद जो मॉडल होता है, द्रव बूंद मॉडल, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, उसकी असफलताएं क्या है ये आप देखेंगे, प्राकृतिक रेडियोएक्टिवता क्या होती है इसको आप देखेंगे, नेचुरल जिसे रेडियोएक्टिवता बोलते हैं वो आप देखेंगे, और देखिए व्रेंग के नियम को आप देखेंगे, व्रेंग का नियम क्या होता है ये आप देखेंगे,
और गागर मुलर गृत्र के बारे में याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। वल्डर वाल्स वो जो वॉन्ड होता है उसको आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में नीचे हम जाएंगे और ये को एक देखने को मिलेगा, देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय वल ये क्या होते हैं, शॉर्ट में आपको देखने को मिलते हैं, ज्यादा वैसा नहीं देखने को मिलता कि आपको लॉन्ग में मिलेगा, लेकिन शॉर्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद में परम शून्यता, आपका जो मुक्त ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा होती है उसके बारे में आपको देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। परम शून्यता पर जिसे कहते हैं, परम शून्यता पर औसत मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में, परमाणु बम के बारे में थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना परमाणु बम, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। हॉल प्रभाव क्या होता है, हॉल इफेक्ट के बारे में आप देखेंगे, ठीक है। जालक कंपन क्या होता है, इसको भी आप पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। और नाभिक अभिक्रिया का क्यू मान क्या होता है, इसको पढ़ लेना एक बार, अल्फा 6 में ऊपर बता चुका हूँ। और बाकी नाभिक के लक्षण यहाँ नहीं देखना है। और ये देखिए क्लोमिंग पेनिंग मॉडल क्या होता है, इसको भी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स देखिए क्रिस्टल द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन और बहुविधि द्वारा, इसको एक बार आप पढ़ लेना। लेकिन हाँ अब मैं आपको बता दूं कुछ इंपोर्टेंट चीजें, आपको जो भी क्वेश्चन आ जाए अनजाने में और आपने नहीं पढ़ा है, आयनिक क्रिस्टल को पढ़ लेना, आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, ये पढ़ लेना, याद रखो। यदि आपने वो चीज नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने नहीं पढ़ा है और आप भूल चुके हो कि यार मुझे याद नहीं आ रहा, पहले आपको एग्जाम में जाते हुए आपको कॉपी मिलेगी, उसके बाद में जो भी आपको लाइनिंग खींचना होता है लेफ्ट साइड में आप लाइनिंग खींचा करो, राइट साइड में कभी लाइन नहीं खींचनी है, हमेशा लेफ्ट साइड में दो लाइन खींचनी होती है, एक इंच छोड़कर, ये याद रखना, एक इंच छोड़कर, एक इंच छोड़ेंगे, ठीक है, और लेफ्ट साइड में एक लाइन खींच, दो लाइन खींचेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, आपको जो याद है क्वेश्चन को वो करेंगे पहले, जो भी याद है, चाहे वो सॉल्ट का क्यों ना हो, ये नहीं कह रहा हूं लॉन्ग का ही हो, पहले चाहे सॉल्ट का क्यों ना हो, जो भी आपको याद है, और मेरे हिसाब से जो भी होना चाहिए पहले लॉन्ग क्वेश्चनों को किया करो, पहले लॉन्ग क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे पहले लॉन्ग क्वेश्चनों करेंगे, जितने टाइम में हो रहा है, दो क्वेश्चन याद है दो क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन याद नहीं है छोड़ देंगे उसे। उसके बाद में हम करेंगे जो शॉर्ट में याद है, पहले देखो दो क्वेश्चन लॉन्ग में यदि याद है आपको दोनों क्वेश्चन कर दो, तीसरा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है छोड़ दो उसको, उसके बाद शॉर्ट पहुंच जाओ, शॉर्ट में जो जो तुम्हें याद मिल रहा है पहले वो करो, उसके बाद में जो तुम्हें नहीं हो रहा है उसको भी स्टार्ट कर दो, चाहे रामायण लिख दो, जो भी लिखना है, लेकिन उस सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होनी चाहिए, जो भी तुम्हारे दिल में याद आए वो लिख देना, लेकिन कॉपी को खाली छोड़ के मत आना, ठीक है, स्टार्टिंग में वो लिखना है जो आपके लिए काफी बेहतर हो, क्योंकि आपको देखो कॉपी जब पलटता है ना कोई भी टीचर स्टार्टिंग में तो देखता है यार हाँ इसने बहुत अच्छा लिखा है, एक एक क्वेश्चन लगभग इसको याद है तभी तो उसने लिखा है, अब उसने दो चार पेज लौटे कि यार बंदे से लिखा है, उसके बाद तुरंत हमारे लास्ट पर पहुंच जाएगा वो, ठीक है, ऐसे करते करते और तुरंत आपको देगा कि हाँ यार बच्चे ने काफी मेहनत की है लिखते हुए, पढ़ाई की है तभी तो लिख दिया इसने कॉपी, वरना कौन लिख देगा, आप फटाक से उस क्वेश्चन को पूरा क्लियर करके और नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, ऐसा ही हो रहा है यार, वरना तुम देख रहे हो क्या क्या बच्चे बहुत लिख के आता है फिर भी फेल हो जाता है, ठीक है, तो कॉपी को अधिक भरने की कोशिश करना है, एग्जाम में कॉपी भरी होती है तो नंबर मिलते हैं, याद रखो इस बात को, ठीक है, जो भी लिखना है लेकिन लिख के आना, छोड़ के नहीं आना, मेरे हिसाब से मेरा दिल तो ये कह रहा है कभी भी कोई भी पेपर दो छोड़ के बताओ कॉपी को, रिटन एग्जाम हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें यार, कि भैया हमने गलत लिख के आया तो वो भी कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमेशा पॉजिटिव जाओ, नेगेटिव है ही नहीं इसमें, ओके, कोई दिक्कत किसी को परेशानी कमेंट सेक्शन में बताओ, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू।